अगर आप एक बिगिनर हैं या आप स्टॉक मार्केट में अभी अभी नए नए आए हैं, तो आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर आता होगा कि क्या एक से ज्यादा डीमैट अकाउंट ओपन करा जा सकता है, क्या ये लीगल है, क्या ये अलाउड है। तो शॉर्ट में आपको बताऊं कि जैसे आप कई सारे सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं, वैसे आप कई सारे डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लेकिन एक पर्सन एक पैन कार्ड के साथ एक स्टॉक ब्रोकर में सिर्फ एक ही डीमैट अकाउंट ओपन कर सकता है। अगर आप एक से ज्यादा डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, तो आपको अलग अलग स्टॉक ब्रोकर के पास अपने डीमैट अकाउंट को ओपन करना पड़ेगा। मेरे पास कितने डीमैट अकाउंट है, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो क्या बिगिनर्स को एक से ज्यादा डीमैट अकाउंट ओपन कराने चाहिए कि नहीं? तो देखिए, अगर आप ट्रेडिंग भी करते हैं और इन्वेस्टिंग भी करते हैं, तो आपके लिए जरूरी है कि आपके पास ट्रेडिंग का अलग पोर्टफोलियो और इन्वेस्टिंग का अलग पोर्टफोलियो हो। तो ऐसे में आपको देखिए दो डीमैट अकाउंट ओपन जरूर करवाने चाहिए। अगर दोनों एक ही में करते हैं, मतलब ट्रेडिंग भी एक ही डीमैट अकाउंट में कर रहे हैं, इन्वेस्टिंग भी उसी में कर रहे हैं, तो आखिर में क्या होता है कि खिचड़ी बन जाती है। आप दोनों को अलग अलग एनालाइज नहीं कर पाते हैं। लेकिन आप ये भी सोच सकते हैं कि देखो भाई, मैं तो IPO में भी अप्लाई करता हूँ, कई बार एक ही डीमैट अकाउंट होने से मुझे देखिए IPO का अलॉटमेंट नहीं हो पाता है, तो इससे अच्छा मैं चार पाँच डीमैट अकाउंट खोल लूँ और सभी से मैं IPO में अप्लाई कर लूँगा, किसी ना किसी में मुझे तो अलॉटमेंट हो ही जाएगा। लेकिन ये सही नहीं है। देखिए, IPO जब अलॉट होता है तो डीमैट अकाउंट लेवल पे नहीं होता है, वो होता है पैन कार्ड लेवल पे। तो अगर आप एक से ज्यादा डीमैट अकाउंट इसलिए खुलवाते हैं कि आपको IPO का अलॉटमेंट चाहिए, तो यहाँ पर ये सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि आपके डीमैट अकाउंट लेवल पे नहीं, बल्कि आपके पैन कार्ड लेवल पे IPO का अलॉटमेंट होता है। अब देखिए, ये सारी चीजें तो मैंने इसकी अच्छी अच्छी बता दी। अब देखिए, इसके कुछ नुकसान भी होते हैं, एक से ज्यादा डीमैट अकाउंट रखने के कुछ नुकसान भी होते हैं। तो नंबर एक जो लॉस होता है, वो ये होता है कि आपको देखिए हर डीमैट अकाउंट में अलग अलग AMC देनी पड़ती है। AMC का मतलब होता है एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस। जितने ज्यादा डीमैट अकाउंट, उतने ज्यादा आपको AMC देनी पड़ेगी। और इसी के साथ देखिए, फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने के बाद, क्लोज होने के बाद, जब आप अपनी टैक्स फाइलिंग करते हैं, तो आपको हर डीमैट अकाउंट का अलग अलग स्टेटमेंट देना पड़ता है, जो कि थोड़ा सा देखिए जो है टिपिकल हो जाता है। मैं अपनी बात करूँ तो मेरे पास टोटल 4 डीमैट अकाउंट है, ग्रो में भी है, अपने स्टॉक्स में भी है, एंजल रन में भी है और जरोधा में भी है। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन चारों का लिंक दे रखा है, आप उस पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारी चीजें क्लियर हो चुकी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में से जरूर शेयर करें, और ऐसे ही नॉलेजवर वीडियोस को देखने के लिए बिजनेस ट्विल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। जय।